तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और ये सर्वाइवल सीरीज़ का दूसरा पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट मैंने शॉर्ट्स फॉर्मेट में अपलोड कर दिया था, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। तो दूसरा दिन यहाँ पर हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि सबसे पहले वुड माइन कर ली जाए, क्योंकि घर बनाने के लिए बेसिक सा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़े से यहाँ पर कॉबल स्टोन्स भी चाहिए है, मतलब कॉबल स्टोन नहीं, बेसिकली स्टोन्स ही चाहिए मुझे। और यहाँ से मैंने थोड़े बहुत स्टोन्स कलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैंने ये दो फर्नेस बनाए, और इन दो फर्नेस को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया, और उनके अंदर कॉबल स्टोन्स फिलअप कर दिए, क्योंकि तो उससे कॉबल स्टोन को स्मेल्ट करके हमें स्टोन मिलेगा, और उस स्टोन से हम ब्रिक्स बनाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कोल वगैरह, आयरन उतना कुछ मतलब था ही नहीं। फिर मैं चला गया आयरन को और कोल को माइन करने के लिए। यहाँ पे एक आयरन मुझे यहाँ पर सामने ही दिख गया था, फिर मुझे ये मिली मकड़ी, और मैंने इसको भैया दबा के फेला। और यहाँ पर ऊपर ही आयरन थे, सामने कोल था, तो मैंने आयरन को माइन करना शुरू कर दिया। ऊपर से ग्रेवल भी आ रही थी, और इसके बाद फिर कोल भी था यहाँ पर सामने, तो कोल भी माइन कर लिया। कोल की भी बहुत कमी थी, और शुरुआत में आपको कोल भी ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है एज अ फ्यूल। और उसके बाद मैंने जो ये कोल है यहाँ पर फर्नेस में डाल दिया, और उससे जो स्टोन्स है उसकी स्मेल्टिंग वापस से शुरू हो गई। और इसी के साथ दूसरा दिन माइनक्राफ्ट का ख़त्म हुआ। तीसरे दिन की शुरुआत में ही मैंने सोचा कि माइनिंग में जाओ, और मैं भैया वो भाग के चला गया, और सामने से ये हुआ था मेरे साथ, क्रीपर भैया मुंह पे आके पड़ गया। अच्छा हुआ ज़्यादा डैमेज पड़ा नहीं, मरा नहीं। और फिर नीचे आयरन ढूंढने की कोशिश की, पर वहाँ पर ज़्यादा कुछ आयरन मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल एकदम डीप जाके आयरन माइन करते, तो उसके लिए फिर एक रास्ता बनाना मैंने शुरू कर दिया। बिल्कुल स्ट्रेट डाउन करना शुरू कर दिया मैंने, और फिर बीच बीच में थोड़ा सा रुक रुक के मैंने फिर ऐसी लैडर्स लगाना भी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर नीचे डिग डाउन करते करते मुझे एमेथिस्ट जियोड भी मिल गया, जो कि अच्छी बात है। यहाँ से मुझे फिर स्पाई ग्लास बनाने में मदद होगी। और फिर मैं वाई लेवल 11 तक पहुँच गया था, तो फिर मैं अपने लिए माइनिंग करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाने लगा, और फिर मुझे यहाँ पर दिखता है लावा। कभी ये लावा है यहाँ पर, डायमंड्स हो सकते हैं, पर पहली नज़र में देखने पर यहाँ पर डायमंड्स नहीं दिखे, सिर्फ आयरन और कोल था। आगे भी देखा, वहाँ पर भी कुछ नहीं था, तो मैंने आयरन कलेक्ट कर लिया। यहाँ से दो ही थे, और ये आयरन तोड़ने के बाद भी अब पीछे मुझे डायमंड दिखे, पर मेरे पास अभी डायमंड आयरन की पिकैक्स नहीं थी, तो मैंने फिर उसको रहने दिया, माइन नहीं किया। फिर मैंने यहाँ का सारा लावा बुझा दिया, गिर जाऊँ तो फिर जल के मर जाऊँगा, सामान भी चला जाएगा। और फिर मैंने ये आयरन जो है वो आराम से माइन किए। यहाँ पर थोड़ा सा गोल्ड भी दिखा था मुझे, तो मैंने सोचा भैया ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके मैंने थोड़ा सा वो जो आयरन था वो स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया, फिर मैं सो गया। और फिर उठते ही मैंने जो जो भी जितना भी आयरन स्मेल्ट हुआ था, उससे अपने लिए एक जो है शानदार आयरन की पिकैक्स बना ली, और थोड़ी बहुत जो है स्टोन्स की भी पिकैक्स बना ली मैंने अपने लिए। फिर यहाँ से भाई मैं नीचे चला गया वो डायमंड्स को माइन करने के लिए। पहले मैंने ये ब्लॉक तोड़ा, और उसके बाद ये रख देखो, ये पहला डायमंड आया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, कुल 6 डायमंड्स मुझे यहाँ से मिल गए। और यहाँ पर मैंने पिछली बारी जब आया था तब यहाँ पे गोल्ड भी देखा था, तो सोचा कि लगे हाथ इसको भी कलेक्ट कर लूँ, क्योंकि ये नेदर में काम आने वाला था बहुत ही ज़्यादा। फिर आगे जाकर मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत आयरन्स माइन किए, और इनफ थे मेरे ख्याल से वो आयरन। और उसके बाद मैंने सीधे आयरन का आर्मर बना लिया अपने लिए पूरा, ये हेलमेट, ये चेस्ट प्लेट, ये लेगिंग्स, ये शूज़, बिल्कुल एकदम ओपी तरीके से। मैं थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन बढ़ा लिया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और 5वें दिन के अंत तक मेरे पास
फुल्ली वो आयरन का हार मारा चुका था। तो दोस्तों आज की इस वाले वीडियो के लिए इतने। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।